वेलकम बैक मत कसे का टका टका आर्मी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपके रिक्वेस्ट आ रहे थे Vivo V27 वर्सेस iQOO Neo 7 के बीच में फुल कंपैरिजन लेके आओ। भाई साहब आपने कमेंट किया और मदन ने उसके ऊपर काम नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंफ्यूजन होगा ही होगा क्योंकि Vivo V27 ऑल ऑफर्स लगा के 30,000 के आसपास देखने मिलता है और iQOO Neo 7 ऑल ऑफर्स लगा के 28,500 के आसपास देखने मिलता है। तो 1,500 एक्स्ट्रा देके Vivo लेना चाहिए, 1,500 कम देके iQOO लेना चाहिए? मदन पूरी आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेगा इन सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आपको, आप कौन से यूजर्स हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा हूं, मेरा फोन बिल्कुल हैंग नहीं होना चाहिए, गेम मस्त चलनी चाहिए और बाकी चीजें मुझे बैलेंस देखने मिलनी चाहिए, ये मेरा यूजर्स पैटर्न है। तो आपका क्या है आप नोट डाउन जरूर कीजिए। और गाइस यहां पे मैंने जितने आज तक Vivo और iQOO के फोन रिव्यू किए ना, Vivo कैमरा एंड डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है तो iQOO परफॉर्मेंस गेमिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ये चीजें देखने मिली। जो Vivo में है वो iQOO में नहीं मिलेगा और जो iQOO में है Vivo में नहीं मिलेगा। अब ये दोनों तो भाई भाई है, आपको पता है Vivo ही iQOO को बनाता है। तो Vivo ने ना एक डिफरेंशिएट किया है Vivo ब्रांड को अलग और iQOO ब्रांड को अलग। सब चीजें Vivo में ना मिलेगी ना सब चीजें iQOO में मिलेगी, बट कौन कौन सी चीजें किस में बेटर है ये आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिजाइन एंड वेट। तो यहाँ पे गाइस वेट की बात करें तो Vivo 180 ग्राम का देखने मिलता है, iQOO 193 ग्राम का देखने मिलता है। तो Vivo ज्यादा लाइट वेट फील होता है इसलिए वन हैंड से यूज करने में Vivo के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे iQOO के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट लाइट वेट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। उसके बाद गाइस यहां पे जो साइड फ्रेम है ना, ये दोनों के अंदर आपको प्लास्टिक की देखने मिलती है, कोई ये मेटल की फ्रेम नहीं है। उसके बाद गाइस जो बैक पैनल है ना, ये Vivo का कलर चेंज करता है और ये ग्लास के साथ आता है, मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही गाइस आउटडोर में जाते हो सनलाइट में तो ये अपना कलर ज्यादा ही ब्लू कर देता है, बाकी आप जैसे इंडोर में आते हो तो कलर नॉर्मल ऐसा हो जाता है। बाकी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी iQOO के साथ देखने को नहीं मिलती, इसका जो बैक पैनल है ये आता है प्लास्टिक के साथ और मैट फिनिश। बाकी गाइस दोनों के अंदर कोई भी उंगलियों के वगैरह निशान बैक पैनल के ऊपर नहीं आते। सो डिजाइन में Vivo ज्यादा बेटर है iQOO से और कुछ अलग फील होता है और स्लिम भी है एज कम्पेयर टू iQOO। उसके बाद गाइस आप बेजल्स देखते हो ना, तो बेजल्स यहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे हल्के से बॉटम बेजल्स बड़े आपको iQOO के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी टॉप बेजल्स वगैरह ये भी iQOO में ही थोड़े से बड़े है। बट आप फ्रंट व्यू से देखते हो, सामने से देखते हो तो Vivo मोर प्रीमियम फील होता है बेजल लेस, प्लस आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है इसके वजह से। सेकंड चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है डिस्प्ले किसका बेटर देखने मिलता है। तो यहाँ पे गाइस डिस्प्ले देख लेना, आपको सेम ही 6.78 इंच का फुल HD डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने मिल जाता है, Vivo के अंदर फुल HD प्लस है, बट यहाँ पे गाइस Vivo के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है इसलिए ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी गाइस सबसे पहले मैंने इंडोर ब्राइटनेस चेक किया तो Vivo लगभग 670-75 निट्स के आसपास देखने मिलता है इंडोर में, और iQOO की बात करें iQOO लगभग 655-660 निट्स के आसपास देखने मिलता है इंडोर में। मतलब ऑलमोस्ट आपको जो इंडोर ब्राइटनेस है ये सेम ही देखने मिलता है, बट हल्का सा 10-15 निट से Vivo ज्यादा है। बट जैसे आप आउटडोर में जाते हो तो आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं है, इवन हर्श लाइट कंडीशन में भी दोनों के डिस्प्ले टकाटक आउटडोर में विजिबल होते हैं। बाकी गाइस आप YouTube पे 4K HDR वीडियो देखते हो तो दोनों की ब्राइटनेस जबरदस्त बूस्ट होती है। बाकी डिस्प्ले के अंदर मुझे एक चीज नोटिस हुई, iQOO थोड़ा सा वार्म टोन ज्यादा देता है, बाकी Vivo नेचुरल कलर को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बाकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे हल्का सा Vivo का डिस्प्ले बेटर फील हो रहा था कलर सैचुरेशन में वगैरह, बाकी डिटेल्स वगैरह सब सेम ही देखने मिलती है, डीप ब्लैक हो कलर सैचुरेशन में हल्का सा Vivo बेटर दिखा रहा था, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को वार्म डिस्प्ले पसंद आता है, किसी को ज्यादा नेचुरल टोन वाला डिस्प्ले पसंद आता है, हर एक की चॉइस के ऊपर ये डिपेंड करता है। बाकी दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, बट जितना मैंने यूज किया है iQOO में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का कोई दिक्कत नहीं है, बट Vivo के अंदर कभी कभी 120 हर्ट्ज काम ही ठीक से नहीं करता है, कभी कभी सेटिंग के अंदर भी 60 हर्ट्ज ही चल रहा होता है जबकि 120 हर्ट्ज के ऊपर इसको रखा हुआ होता है। कभी कभी एक दो बार मुझे ऐसा नोटिस हुआ, बट ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन 120 हर्ट्ज की iQOO के साथ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों के डिस्प्ले AMOLED है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इनके साथ आता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों का भी आपको क्विक और सेम ही देखने मिलता है। बाकी का तगड़ा डिफरेंस आता है हैप्टिक्स में, मतलब वाइब्रेशन मोटर में। iQOO आपको टक टक फील वाला वाइब्रेशन मोटर देता है और Vivo आपको घुर घुर जो 14-15 हज़ार के फोन में आता है वही वाइब्रेशन मोटर देता है। मुझे तो शौक लगा Vivo से कि इतना महंगा फोन हो के भी 14-15 हज़ार वाला वाइब्रेशन मोटर, इवन इसको बाय डिफॉल्ट Vivo ने बंद करके रखा है और बाय डिफॉल्ट वाइब्रेशन सिस्टम के साथ iQOO में इनेबल होके आता है, देखा Vivo की चालाकी। बाकी आप कहीं भी सिस्टम में वगैरह जाते हो तो iQOO में टक टक फील आता है, Vivo में वही घुर घुर फील आता है, इसलिए बंद करके ही रखना वाइब्रेशन मोटर को। तो यहाँ पे एक तगड़ा डिफरेंस देखने मिला। बाकी और एक तगड़ा डिफरेंस देखने मिलता है साउंड क्वालिटी में, मतलब iQOO के अंदर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं और Vivo के अंदर सिंगल स्पीकर देखने मिलता है, वो भी इतना ज्यादा लाउड नहीं है, इसकी क्वालिटी आपको ओरिजिनल देखने मिलती है। बाकी यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं।
listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't believe. उसके बाद गाइस और एक मुझे डिफरेंस देखने मिला, मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर देखने मिला आईकू के अंदर, वो है कि ऊपर के साइड में आपको एक्स्ट्रा आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट देखने मिलता है। मतलब आईकू का फोन एज अ रिमोट कंट्रोलर आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई भी आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट आपको वीवो के अंदर देखने को नहीं मिलता। बट वीवो के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज देखने मिलती है, वो है गाइस ये ओरा लाइट। ओरा लाइट मतलब रिंग लाइट जैसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा सा काम करता होगा, बट इसको देख के फोन को मत लेना, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा देखने मिली। बाकी गाइज मैंने नेटवर्क भी चेक किया, तो यहाँ पे नेटवर्क में दोनों भी फोन 4G प्लस को टकाटक सपोर्ट करते हैं। पहले आईक्यू के अंदर सपोर्ट नहीं था, बट अपडेट्स के बाद आईक्यू के अंदर भी सपोर्ट आ चुका है। बाकी यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने मिलता है, वो है 5G बैंड्स में। वीवो के अंदर ओनली 6 ही 5G के बैंड देखने मिलते हैं, आईक्यू के अंदर आपको 8-2 मोर एक्स्ट्रा 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। ये भी चीजें यहाँ पे नोटिस हुई। N41 मेन बैंड वीवो के अंदर मिसिंग देखने मिलता है। सो गाइज मुझे लगता है कि 25,000 के ऊपर कोई भी फोन हो, कम से कम 10 प्लस 5G के बैंड्स होने चाहिए। क्या पता कौन से एरिया में कौन सा 5G का बैंड इनेबल हो, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। उसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो दोनों फोन के अंदर भाई भाई है तो पता है सेम फंटे चॉइस 13 विद एंड्रॉइड 13 दोनों के अंदर देखने मिलता है। बट यहां पे जो आईक्यू का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो मुझे सही लगा, क्योंकि वीवो के अंदर बहुत ज्यादा एड्स वगैरह सिस्टम के अंदर देखने मिलते हैं, और स्पेशली वीवो का एप स्टोर देखने मिलता है जो बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है। इवन आप प्ले स्टोर से कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो ना, तभी गाइस इंस्टॉल करने के बाद भी एक बड़ा सा पेज आता है और उसमें सारे एप्स के रिकमेंडेशन होते हैं। और एक चीज मुझे शॉकिंग वीवो के अंदर देखने मिली कि आप प्ले स्टोर से मान लो इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लेते हो, तो तुरंत इसका जो एप स्टोर है वीवो का वो इंस्टाग्राम के लाइट ऐप को सजेस्ट करता है, नोटिफिकेशन भेजता है। तो गाइस ऐसी कुछ चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होनी चाहिए, मतलब एड्स वगैरह भरे पड़े हैं वीवो के अंदर, तो ये चीजें देखने मिली। ऐसी कुछ ज्यादा चीजें आपको आईक्यू के साथ देखने को नहीं मिलती। और एक चीज नोटिस हुई कि एनिमेशन में लैग आता है वीवो के अंदर जब आप हेवी एप्स को ओपन और क्लोज करते हो, ऐसा कुछ इशू आईक्यू के अंदर नहीं है। इवन आईक्यू फास्ट एप्स को ओपन कर पाता है एज कम्पेयर टू वीवो, ये भी चीजें मुझे नोटिस हुई। बाकी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे गाइस डेमेंसिटी 8200 आपको आईक्यू में देखने मिलता है और डेमेंसिटी 7200 आपको वीवो के अंदर देखने मिलता है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर में तगड़ा डिफरेंस आता है गाइस। तो अनटूटू की बात करें, वीवो के अंदर 6,18,000 के आसपास स्कोर देखने मिलते हैं, तो आईक्यू के अंदर 8,41,000 के आसपास अनटूटू स्कोर देखने मिलते हैं, मतलब 2,00,000 के आसपास डिफर आता है। बाकी सीपीयू थ्रोटलिंग भी टेस्ट किया था तो वीवो 82% का परफॉर्मेंस दे पाता है, और एवरेज आईपीएस स्कोर 1,63,000 के आसपास आते हैं। और आईक्यू की बात करें तो आईक्यू 85% का परफॉर्मेंस दे पाता है, और इसके जीआईपीएस स्कोर 2,90,000 के आसपास आते हैं जो एवरेज वाले है, तो यहां पे भी तगड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। बाकी दोनों के अंदर यूएफएस स्टोरेज 3.1 देखने मिलता है, बट जो स्पीड है ना ये रीड राइट का आईक्यू का बहुत ही ज्यादा देखने मिलता है जितना मैंने टेस्ट किया। तो हाँ डेफिनेटली गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने मिलता है, आईक्यू बेटर परफॉर्म कर लेता है एज कम्पेयर टू वीवो। इवन आप गेमिंग भी करते हो ना, दोनों के अंदर बीजीएमआई के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है, मतलब स्मूथ में 60 FPS, बाकी HDR में ओनली 40 FPS दोनों के अंदर देखने मिलता है। बट यहाँ पे मैंने जितना गेमिंग किया है आईक्यू कॉन्स्टेंट 60 FPS को मेंटेन करके रख पाता है बीजीएमआई के अंदर कहीं भी कुछ भी खेलो, बट वीवो के अंदर बहुत ज्यादा गेमिंग के अंदर FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं, 40 FPS के आसपास आता है 60 FPS रखने के बावजूद भी, जितना मैंने टेस्ट किया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या इन दोनों के बीच में फुल फ्लेज बीजीएमआई का वीडियो आपको चाहिए, तो जरूर कमेंट करना, उसके बाद लेके आने की कोशिश करूंगा। तो गेमिंग के लिए बेटर है गाइस आईक्यू, और इवन UI परफॉर्मेंस के लिए भी बेटर आईक्यू ही है। बाकी गाइस मैंने टेस्ट किए इनके कैमरास, अभी वीवो के अंदर आपको 50 MP मेन कैमरा सोनी IMX766V का सेंसर देखने मिलता है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP बिना काम का सेल्फी, 50 MP का। और आईक्यू की बात करें 64 MP विद OIS मेन कैमरा देखने मिलता है, 2 MP बिना काम, 2 MP बिना काम और अल्ट्रा वाइड देखने को ही नहीं मिलता है, 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। बाकी आउटपुट यहां पे देख सकते हो, तो गाइस ये नॉर्मल शॉट है, ब्लू स्काई देख सकते हो, दोनों ने बहुत अच्छे से लिया है। बाकी अल्ट्रा वाइड देख सकते हो, वीवो का आईक्यू में देखने को नहीं मिलता, तो कलर हल्का सा शिफ्ट होता है। बाकी हाई मेगापिक्सल की बात करें डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही देखने में मिलती है, और पोर्ट्रेट मोड में देख सकते हो हल्का सा वीवो वार्म टोन देता है चेहरे के ऊपर, आईक्यू नेचुरल रखता है, और वीवो में 2x तक जूम करके आप पोर्ट्रेट में शॉट ले सकते हो। अपोजिट टू सनलाइट भी मैंने ट्राई किया, तो आईक्यू अपोजिट टू मतलब सॉरी लाइट में आईक्यू क्या करता है चेहरे को ज़्यादा ही ब्राइट करता है और वीवो नेचुरल रखता है। बाकी सेल्फी भी मैंने ट्राई की, सेल्फी में भी आईक्यू थोड़ा सा वाइट बनाने की कोशिश करता है, बाकी वीवो बहुत अच्छे से नेचुरल कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। और अपोजिट टू लाइट भी देख सकते हो, यहाँ पे वीवो बेटर काम कर रहा है।
बाकी दोनों फोन के अंदर 4K रिकॉर्डिंग देखने मिलती है, बट iQOO 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, बट Vivo 4K 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। 1080p 60fps दोनों के अंदर देखने मिलता है। और सेल्फी की बात करें, Vivo के अंदर 4K 30fps देखने मिलता है, बट iQOO के अंदर आपको 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। ये भी चीजें मुझे नोटिस हुई। तो गाइस ये वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K 60fps iQOO में और 4K 30fps विद स्टेबलाइजेशन Vivo के अंदर। बाकी स्टेबलाइजेशन कलर्स वॉइस वगैरह आप चेक कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लेना, व्यू में स्टेबलाइजेशन बेटर देखने मिलता है, वीडियो हल्का सा क्रॉप होता है। वीडियो क्वालिटी है 1080p 60fps में और स्टेबलाइजेशन दोनों में मैंने ऑन किया है। बाकी देख सकते हो वॉइस क्वालिटी वगैरह। और बात करें फोकसिंग की, तो दोनों भी क्विकली फोकस कर लेते। बाकी आपको किसकी वीडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Vivo में थोड़ा सा जिटर आता है यार वीडियो के अंदर, देख सकते हो आप, स्मूथ नहीं। बाकी बैटरी बैकअप की बात आती है, तो Vivo के अंदर 4600 mAh की बैटरी देखने मिलती है, iQOO के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है। अब Vivo की बैटरी इतना टेस्ट नहीं कर पाया हूं मैं, मुझे बस एक वीक का समय चाहिए, फिर भी एक वीक के बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताऊंगा या इसके फुल वीडियोज में बताऊंगा कि ये कितना बैटरी बैकअप देता है। बट iQOO का आइडिया है मुझे, जितना मैंने यूज किया था 6 to 7 hours का ऑन स्क्रीन इजिली ये दे पाता है, फुल डे निकाल देता है। और यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। Vivo लगभग 57 to 58 minutes, मतलब एक घंटा पकड़ के चलो, फुल चार्ज होने में समय लगा। और iQOO की बात करें, iQOO लगभग 27 टू 28 मिनट में फुल चार्ज हो ही जाता है। सो फाइनल इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए? तो गाइस आप Vivo की तरफ तभी जाना जब आपको एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन पसंद आता है या आपको बेटर डिजाइन चाहिए, बेटर कैमरा चाहिए। बट इतना ध्यान में रखना, 6 5G की बैंड, सिंगल स्पीकर और बैड हैप्टिक्स, ये चीजें ध्यान में रखना। बट आपको गाइस iQOO की तरफ जाना है तो आपको मिलेगा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, बेटर UI एक्सपीरियंस, मतलब UI बिल्कुल लैग जिटर देखने को नहीं मिलेगा UI के अंदर, उसके साथ बैलेंस कैमरास बट अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलेगा, 8 5G के बैंड्स, Vivo से 2 extra 5G के बैंड्स, उसके साथ AMOLED डिस्प्ले है ही, तभी आप गाइस iQOO की तरफ जा सकते हो। बाकी हर एक का यूज पैटर्न अलग अलग होता है, बट सारी चीजें मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। तो गाइस ऐसी सिंपल लैंग्वेज में आपको रिव्यू समझना है, फुल कंपैरिजन समझना है, अपना खुद का नॉलेज बढ़ाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।